अच्छा तुझे लगता है मैं फेमस हो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बस एक बार ठान ले। पर हाँ, फेमस होने के बाद मुझे भूल मत जाना। अरे मैं तेरे कैसे भूल सकती हूँ, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। आज मैं मानसी से नीचे बात कर रही थी तो उसने मुझे एकदम ब्रिलियंट आइडिया दिया। क्या आइडिया? उसने बोला मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, उसमें फेमस भी बन जाऊंगी और पैसा भी कमा पाऊंगी। फेमस और तू? देख भाई, खूबसूरती चाहिए थी एक चैनल खोलने के लिए और तेरे अंदर उसकी बहुत ज्यादा कमी है यार। तू मोटी तो कोई पसंद नहीं करेगा, बहुत बकवास आइडिया मत करे सब। तू मुझे बस डीमोटिवेट करती है। मानसी बोल रही थी कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं टैलेंटेड से फेमस बन सकती हूँ। सच तो सच होता है, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, सच कड़वा होता है, तेरे को तो बुरा लगेगा ही। मैं क्या कर सकती हूँ उस बात का? मैंने तुझसे बात भी नहीं की, तुझसे डीमोटिवेट करती हूँ। मैं तो बस सच बोल रही थी। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा आज मैं मानसी आज खेल रही थी तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। लेकिन जब मैंने यही आइडिया आयु को बोला, वो बोली कि उसके लिए खूबसूरती चाहिए होती है और मैं तो मोटी हूँ, कोई भी नहीं फॉलो करेगा। अरे बेटा आयु को छोड़ो, तुम्हारा जो मन करता है वो करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। और पता है बेटा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तुम जरूर एक दिन कामयाब होगी और फेमस भी होगी। आप एकदम सही बोल रहे हो, अब मैं आगे बात नहीं सुनूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी से ही अपने नए चैनल के लिए वीडियो बनाती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनु और आज मेरे पहला चैनल का वीडियो है। तो इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इस बॉल को कैसे अपने वन फिंगर पे रोल करते हैं। अच्छा होता है। बेटर बनने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करो, फैमिली साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय। अब मैं फटाफट इसको एडिट कर देती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। मोटापा की वजह से, तेरी बदसूरती की वजह से। देख मैंने अपने व्यूज दे दिए, अब आगे तो तेरी मर्जी है, मैं तो चली। मेरे पास व्यूज आएंगे, मेरे पास भी सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, चलो चेक करते कितने सब्सक्राइबर्स और लाइक्स हैं। अरे 300 डिसलाइक्स और कमेंट्स में अनु इतनी मोटी है, बढ़िया है मोटी की वीडियो बनाने, इस मोटी को फुटबॉल खेलना कैसे आ गया, बढ़िया ही गधी। एक तो अच्छे कमेंट, हाँ इतने सारे बुरे कमेंट्स हैं। लगता है आयु सही बोल रही थी, सिर्फ सुंदर लोग और अच्छे दिखने वाले लोग वीडियो बना सकते हैं, मोटे लोग नहीं। मम्मा मम्मा। मम्मा आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? जो वीडियो मैंने यस्टरडे अपलोड किया था, मैंने देखा उसका कि बहुत सारे डिसलाइक्स आए और साथ साथ इतने सारे बुरे कमेंट्स कि मैं मोटी हूँ, मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। लगता है आयु सही कह रहे थे, एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए खूबसूरत होना भी जरूरी है। दिखाओ बेटा, तुम सिर्फ बुरे कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हो, अच्छे कमेंट्स तो तुमने देखा ही नहीं।
ये देखो कितने सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं। अरे वाह अनु, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो, आपने ये सब तो देखा ही नहीं। देखो बेटा, हेटर्स तो आपको सब जगह मिलेंगे, लेकिन आपके सपोर्टर्स भी तो हैं। आपको कितने लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप हेटर्स पे क्यों ध्यान दे रहे हो? आप सपोर्टर्स की सोचो, जो आपका वीडियो देखना चाहते हैं। आप उनके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ। और हाँ, खुद को डिमोटिवेट कभी मत करो बेटा। हाँ मम, आप एकदम सही कह रहे हो। अब मैं ना अपने सपोर्टर्स के लिए वीडियो बनाऊंगी। मैं अभी बनाती हूँ, कल भी वीडियो अपलोड करूँ। तो मम, मैं जाती हूँ, बाय। हे गाइस, मेरा नाम है अन्नू और आज इस चैनल का पहला वीडियो आ रहा है। तो इसमें मैं आपको बता, एक सेकंड, तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, फोन हैंग होता रहता है बार बार। क्या हुआ? यार फोन इतना पुराना है, बार बार हैंग हो रहा है। फोन नहीं चला तो फिर नया फोन ले लेना पागल। हाँ लेकिन मुझे ना मम्मा पे पैसे का बोझ नहीं डालना। अब जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसा आने लगेगा ना, तब मैं खुद खरीदूंगी उससे। इसे मोनेटाइज भी हो जाएगा। माना कि तू मोटी अच्छी नहीं दिखती है, पर दिमाग तो तेरा तेज चलता है ना, तो वही दिमाग से तेरे दिमाग में जो भी आइडिया आया, तेरे को वन प्लस चाहिए, आईफोन चाहिए, तू उसे ले सकती है, वो भी 20 जून के बाद। वो कैसे? अनअकैडमी इमर्ज से, वो 20 जून को आ रहा है। उसमें ना टॉप प्राइसेस में एप्पल मैकबुक एयर, वन प्लस, आईफोन टॉप रैंकर्स के लिए। इतना ही नहीं, 5 करोड़ वर्थ प्राइसेस भी है। अरे यार पढ़ाई क्यों करना है? मैं पढ़ाई नहीं करना, वेकेशन चल रहा है, मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद। अरे पढ़ाई तो तू वैसे भी नहीं करती है, पर टेंशन मत ले, एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, उसमें तो पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है, बस एनरोल करो और अटेम्प्ट करो। वैसे एनरोल करने से एक और अच्छी चीज मिलती है, जो मैं देखो तभी बताऊंगी जब तू मेरे साथ शेयर करेगी। ठीक है, शेयर कर लूँ, बता जल्दी। सिर्फ एनरोल करके देखो मेरे साथ बॉक्स को सरप्राइज, जिसमें रहते हैं एलीट गुडीज। ये 7 लकी एनरोलर्स को मिलता है हर रोज। अरे वाह, वीडियो बाद में बनाते, पहले तू बता कि एनरोल कैसे करते, मुझे चांस मिस नहीं करना। अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, यूज कर कोड क्विज। एंड मैं तो कर भी लिया, तू भी कर ले। चल अगर मेरा भी फोन मिल रहा है, मैं जाती हूँ, तू अपना फोन का एनरोलमेंट सब कर ले। हाँ एनरोल हो गया। गाइस याद रखिए, सिर्फ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और एनरोल कीजिए। क्या पता आप ही स्पेशल सरप्राइज बॉक्स को जीत सकते हो अनअकैडमी का। इतने सारे बुरे कमेंट, मोटी भैंस, चुड़ैल, लायन, मोटी वीडियो मत बना, इतने सारे बुरे कमेंट्स हैं। बनाते रहो, मुझे आपका वीडियो पसंद है। मैं गिव अप नहीं करूंगी, मम्मा ने बोला है कि मैं एक दिन सक्सेसफुल बनूंगी, और मुझे उनके लिए वीडियो बनाना चाहिए जो लोग मुझे पसंद करते, चाहते हैं वीडियो। मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं वीडियो बनाती रहूंगी। मैं इतनी भी मोटी नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकती, मम्मा बोलती है मैं स्ट्रांग रहूंगी। काम करती हूँ, उसके सब्सक्राइबर सेट करती हूँ, देखते हैं कि 10K हुए कि नहीं। अरे 10K हो गए, मुझे उसको भी कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। अरे मानसी का कॉल है। हेलो अनुष्का। हाय मानसी। अरे तेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए? मैंने आज सुबह चेक किया था तो कुछ 950 सब्सक्राइबर्स थे। नहीं भी पूरे हो गए, मैंने अभी चेक किया। अरे वाह, बहुत खुश वाली बात है यार, ये सब तेरे वजह से ही हुआ। तुमने अगर आईडिया नहीं दिया तो अभी तक मेरे 10K सब्सक्राइबर हुए ही नहीं होते। तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। अरे बेस्ट फ्रेंड्स तो होते ही हैं मदद करने के लिए, लेकिन हाँ अपना प्रॉमिस भूलना मत, मुझे भूल मत जाना। अरे मैं तेरे को कैसे भूल सकती हूँ? चल तू और मैं आज पार्टी करते हैं, हम लोग पार्टी करेंगे पूरा दिन। हाँ बिल्कुल। और हाँ, उससे पार्टी करते टाइम ना मैं उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूंगी, तू और मैं साथ में, उसको अपलोड तो करना ही होगा ना। तू और मैं इतने अच्छे दोस्त, तेरे और जिस ये चैनल खुला है तो तेरा वीडियो तो डालना जरूरी है ना। हाँ ठीक है, चल मैं अभी आती हूँ तेरे घर पे। चल ठीक है, जल्दी आ, बाय। और
लाइक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, डिसलाइक्स भी कम होने लग गए यार, बहुत अच्छा हुआ। ये सब तेरी वजह से, थैंक यू मानसी। मेरे वजह से नहीं, तेरी मेहनत की वजह से हो रहा है। तेरे अगर आइडिया नहीं दिया आपको तो मेरा तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। चल अभी हम दोनों साथ में वीडियो बनाते हैं, तेरे वजह से चाल चालू हो तो बताना पड़ेगा ना हमारे फ्रेंड्स को। Hey guys, मेरा नाम है अनु और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको एकदम मेरे खास दोस्त से मिलाने वाली हूँ, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड मानसी। इसी की वजह से हमारा चैनल पॉसिबल हुआ है, इनकी वजह से खुला है ना। ये मेरे वजह से नहीं, आपके और इसके टैलेंट की वजह से हुआ है। अरे ऐसा मत बोल, इन्होंने आइडिया दिया थे बहुत ही अच्छे। तो आज की खुशी की बात क्या है, आज फाइनली हमारे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 10K जितनी बड़ी फैमिली, हम तो बहुत खुश है। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मम्मा मम्मा वो देखो अनुदीप, मैं ना यूट्यूब पे देखता हूँ। अच्छा तुम्हें इनके साथ फोटो खिंचानी है? हाँ। हेलो बेटा। हेलो आंटी। दीदी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे देखता हूँ और मैं ना आपके साथ बॉल भी स्पिन करने लग गया हूँ। अरे वाह, आप मेरे पहले फैन हो। हाँ बेटा, मेरा बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, क्या तुम इसके साथ सेल्फी खिंचाओगी क्या? हाँ हाँ, आप मेरे पहले फैन हो। आप देखो तुम्हारे 100 के सब्सक्राइबर हो गए ना, तो आज मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक भी लाई हूँ। मम्मा ये आपको और मानसी की वजह से इस मुकाम तक मैं पहुँच पाई हूँ। मानसी को तुमने आइडिया दिया ही नहीं होता तो ये चैनल खुला ही नहीं होता। थैंक्स अ लॉट मानसी, तुमने हमेशा सपोर्ट की थी। और मम्मा आप तो मुझे हमेशा सपोर्ट ही करते थे, लेकिन साथ साथ जब मैं डिमोटिवेटेड होती थी मेरे को मन करता था कि चैनल को क्विट कर दूं बुरे कमेंट्स देके। आप मुझे मोटिवेटेड रखते थे, आप मुझे सिखाते थे कि आई शुड नेवर गिव अप। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारे टैलेंट की वजह से हुआ है। हाँ। लोगों ने तो सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट किया है। तो ये देखो मैं तुम्हारे लिए केक भी लाई हूँ। अरे वाह, थैंक यू मम्मा। आयु कहाँ है? आयु को तो मैंने बोला था बेटा, वो आ गई। आयु अब मेरा 100 के सब्सक्राइबर मेरा थोड़ी ऐसा हो सकता है। थैंक यू आयु। सॉरी अनु, तेरी बहन है तो मुझे तुझे सपोर्ट करना चाहिए, तेरे को मोटिवेट करना चाहिए था, बट मैंने तेरे को सिर्फ डीमोटिवेट किया, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। पर अनु मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि लोगों की खूबसूरती बाहर की खूबसूरती नहीं बल्कि उनके अंदर की खूबसूरती देखी जाती है और उनका टैलेंट देखा जाता है। और अनु तो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए तो आज 100 के सब्सक्राइबर तक पहुँच पाए, मुझे उस पर गर्व है। अनु ऐसे ही चलती जाए तो 1 मिलियन तक भी पहुँच जाएगी। थैंक यू आयु। ओके आयुष को बहन बहन में तो लड़ाई होती है, लेकिन तेरे को एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? कि तेरे को एटलीस्ट मेरे साथ एक वीडियो में तो आना ही होगा। हाँ जरूर आऊंगी, इतना ही नहीं मैं सबके साथ शेयर भी करूंगी तेरा वीडियो, सबको बोलूंगी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऐसे ही चलते जाते उसको 1 मिलियन तक पहुँच जाएगी। थैंक यू आयु, वेलकम। अब चलो केक काटते हैं।